पुलिस इन दिनों अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के अंतर्गत अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम मोहम्मद अजीज है। इसके कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा एवं 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 41,000 रुपए बताई जा रही है। जब अजीज से पूछताछ की गई तो उसने कई लोगों के नाम भी बताए। अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी गई, जिस पर भागचंद कुशवाहा पिता संतोष कुशवाहा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम उर्दमऊ थाना गढ़ी मलेरा जिला छतरपुर के कब्जे से 315 बोर की पिस्टल और 315 बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 30,200 रुपए बताई जा रही है। वहीं एक आरोपी और रामचरण बसोर पिता राम प्रकाश बसोर उम्र 41 वर्ष निवासी वृंदावन गार्डन छतरपुर के पास से 315 बोर की पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 25,300 रुपए बताई गई है। वहीं नीरज कुशवाहा पिता अमान कुशवाहा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बदुआ थाना गढ़ी मलेरा जिला छतरपुर के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और जिंदा कारतूस, जिसकी कीमत लगभग 51,000 बताई जा रही है। इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी अजीज के ऊपर जुआ और दिल्ली में अवैध हथियार संबंधित अपराध भी दर्ज हैं। वहीं आरोपी नीरज पर भी थाना गढ़ी मलेरा में अपराध पंजीबद्ध हैं। इस संबंध में पुलिस कप्तान अगम जैन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि किस तरीके से अंतर्राज्यीय तस्कर हथियारों की सप्लाई करते थे। इनसे पूछताछ जारी है और भी नाम खुलने की संभावना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थाना कोतवाली की टीम ने एक आज अच्छी कार्रवाई की है। इसमें अंतर्राज्यीय अवैध हथियारों का एक तस्कर है अजीज मोहम्मद करके, उसको अरेस्ट किया है। इसमें ये बात सामने आई है कि ये व्यक्ति मुख्य रूप से खरगोन से या फिर अन्य जगहों से भी हथियार लेकर के उत्तर प्रदेश और छतरपुर में भी कई जगह पर बेचता था। छतरपुर में जहाँ पर इसने बेचा है वहाँ पर भी हमने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनके पास से भी पिस्टल और देसी तमंचा जो कट्टा है वो बरामद हुआ है। उसी के साथ साथ अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में मथुरा के एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जहाँ पर ये जिसको इसने दिया है। पूर्व में भी इसके विरुद्ध दिल्ली में एक अवैध हथियार के संबंध में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। छतरपुर में भी जुआ संबंधी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। एक और जो आरोपी है नीरज, उसके विरुद्ध भी गढ़ी मलेरा में अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही भागचंद कुशवाहा और रामकरण बसोर ये भी इसमें आरोपी पाए गए हैं। तो इस प्रकार से 4 आरोपियों से 4 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और कोतवाली की टीम ने जो कार्रवाई की है सराहनीय है और उनको उचित अवार्ड दिया जाएगा।